फर्स्ट वोटर हैं दोनों? हाँ फर्स्ट वोटर है। तो बहुत जरूरी हो जाता है, पीएम मोदी भी खुद फर्स्ट वोटर से मिल रहे हैं। बीजेपी बीजेपी को सिर्फ धर्म की राजनीति करनी आती है, हिंदू मुसलमान करना आता है, डेवलपमेंट उन्होंने कुछ करा नहीं, काम उन्होंने कुछ करा नहीं। आप एक बात बताओ, मोदी जी ने कहा था 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मैं आज मोदी जी से खुले पूछना चाहता हूँ 5 साल में उन्होंने कितनी नौकरियां दे दी, मोदी से पूछना चाहता हूँ है ना, उन्होंने कितनी डेवलपमेंट कर दी। उन्होंने यूँ कहते हैं हमने भाई 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांट दिया। अब 80 करोड़ लोगों का फ्री राशन बांट रहे, उसका मतलब यही साबित होता है ना देश गरीब हो रहा है। 80 करोड़ लोग देश में गरीब हैं, आप कह रहे हो हमने मकान दे दिया, अरे कहाँ मकान दे दिए, वो बुढ़िया औरत थी उसका, उन्होंने छापा था अखबार में, खुले आम आ गई रिपोर्ट में, कोई मकान नहीं मिला। फेकनेस की पार्टी है, पूरी फेक पार्टी है, झूठी पार्टी है। इन्होंने उसको शरद पवार को कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, इसको ये करेंगे जेल में डालेंगे, अगले दिन तुमने उप मुख्यमंत्री बना दिया। असम का सीएम तुमने कहा था इसने 68,000 का घोटाला कर दिया। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर, मैं हूँ आपके साथ तफीसा खान। देश के अंदर चुनाव है, बेहद जरूरी और अहम, यानी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि देश का युवा क्या सोच रहा है, देश का युवा देश की नई सरकार के लिए क्या सपने बुन रहा है, क्या मुद्दे रहने वाले, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में जो हलचल चल रही है, जो भूचाल आया हुआ है केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, जो सियासत देखने को मिल रही है, उसको लेकर युवा कितना जागरूक है और क्या कुछ सोचता है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, उनकी राय क्या है, तमाम चीजों पर चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर केजरीवाल अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर सियासत कितनी बढ़ने वाली है, और बीजेपी या फिर बीजेपी के लिए फायदा या नुकसान क्या कुछ होगा। सर सीधे सबसे पहले तो आप लोग युवा है, देखिए आने वाला देश का भविष्य भी है, मुद्दे क्या रहने वाले हैं, चुनाव है देश के अंदर, कैसा नेता देख रहे हैं आप? हम मतलब केजरीवाल को मैं आगे प्रेफर करूँगा कि वो केजरीवाल आगे आए और हमेशा आगे आए, क्योंकि मैं हमेशा एजुकेशन के उस पर रहूँगा, क्योंकि एजुकेशन जैसे देखा, जैसे हमें पता है कि जो केजरीवाल है वो आईआईटी पास आउट है, और हम सबको पता है कि आईआईटी मतलब क्लियर करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उसके बाद देन उन्होंने यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया, आईआरएस क्लियर करा, वो आईआरएस ऑफिसर क्लियर करके उसके बाद वो मतलब नहीं, हाँ मतलब आपका सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो एजुकेशन के ऊपर रहेगा, कि क्योंकि जब बीजेपी आई तब लगा कि हाँ सब कुछ होगा, अच्छा होगा, बट हमें जैसे पता चल रहा है कि एजुकेशन में बाहर की, ये तो दिल्ली है जब सीएम है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी वो बढ़ोतरी हुई है और इतना सब कुछ वो करा है उन्होंने, इतनी डेवलपमेंट हुई है, आज की तुम प्राइवेट स्कूल्स के वो देखो और गवर्नमेंट स्कूल्स के देखो, तो मतलब बहुत पहले के टाइम से और अब के टाइम में मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत वो आए, जमीन आसमान का फर्क है। दोनों दिल्ली से? 7 भाई हैं हम तो दोनों। हाँ मैं जैसे मैं अभी 12th कर रहा हूँ, मेरी मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय आपका पहला वोट भी हो सकता है। वोट हो गए, खत्म हो गए मेरे वोट, पहला वोट हो गया। वोट की मैं बात कर रही हूँ, आप फर्स्ट वोटर हैं दोनों? हाँ फर्स्ट वोटर है। तो बहुत जरूरी हो जाता है, पीएम मोदी भी खुद फर्स्ट वोटर से मिल रहे हैं, और अभी पहला वोट किसके नाम किसके को देने वाले? मैं आम आदमी पार्टी को दूंगा। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी ही क्यों, उस पर तो कई आरोप लग रहे हैं। देखिए सीएम पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर हैं। आज जब आप पूरी सेंट्रल मतलब सेंट्रल में ही ईडी सीबीआई जब बीजेपी पार्टी के साथ हो गई है और सब कुछ हो गया है, अब देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के सीएम ही नहीं, बाहर की बहुत जहाँ पर भी बीजेपी नहीं है वहाँ के सारे सीएम्स के स्टेट्स जितने भी स्टेट्स हैं सब पे भ्रष्टाचार और सब के आरोप लग रहे हैं वहाँ पर भी। मतलब मेरे को याद प्रॉपर याद नहीं है, 2-3 स्टेट्स के भी सीएम वगैरह जेल में जा चुके हैं, बट अब जहाँ पर भी बीजेपी नहीं है वहाँ पर पार्टी टूट रही है, वहाँ पर सब कुछ हो रहा है। अभी भी आज दिन तक मतलब मैं इंस्टाग्राम वगैरह बहुत सारी न्यूज़ वगैरह आती है और यूट्यूब पे पता चलता है कि मणिपुर आज दिन तक जल रहा है, और अभी देखा जाए तो जो हमारा बजट आया अभी मार्च में हमारा बजट आया उसमें हमारा फैम में आया अभी, तो उसमें एजुकेशन में भी पता नहीं 0.4 या 5% मतलब बहुत मिनिमम एजुकेशन पे बहुत उन्हें इन्वेस्ट करा गया है, बिल्कुल ही बहुत कम है, जो मतलब आज के टाइम पे हमें एजुकेशन पे वो करना चाहिए। और जैसे एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है, अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, देखिए 10 साल उसको हो गए सत्ता के अंदर, 10 साल में उसने किस किस मुद्दों पर काम किया, ज़रूरी मुद्दे क्या रहे? जैसे बीजेपी जब आई थी तब उन्होंने बोला था कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे और सब कुछ वो करेंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, एम्स वगैरह गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स वगैरह उन पर बहुत फोकस करेंगे, बट जैसे अभी पता चल रहा है कि बाहर के स्टेट्स में एजुकेशन वगैरह जो है गवर्नमेंट स्कूल्स है वो इतने बुरी हालत में हो गए हैं, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होने के कगार पर आ चुके हैं, बिल्कुल ही बहुत वो हो चुका है, बंद हो चुका है। और मैंने कहीं सुना था कि जो मतलब अब
एक मतलब एक एक्ट आया नया पास होने के लिए, जिसमें अगर कोई बिलो पॉवर्टी का जो बंदा होगा वो प्राइवेट स्कूल्स में जाता है तो वो गवर्नमेंट उसको 1500 रुपीज़ समथिंग देगी, तो और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो जा रहा है उसकी 500 रुपीज़ फ़ीस है। तो इसके मतलब तो यही ना कि मतलब जहाँ पर लोगों को पैसे मिलेंगे लोग वहीं जाना पसंद करेंगे और गवर्नमेंट कॉलेजेस बंद होने की कगार पे आएंगे। बट मतलब एजुकेशन बड़ा मुद्दा है, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपका क्या नाम है? मैं तो साथ में हूँ। ना ना ना, अरे मैं नहीं बोल रहा, आपका वोट अलग है, वो उनका वोट अलग है, आपकी पसंद अलग हो, थोड़ा सी बातचीत तो करते हैं। मुद्दा क्या रहने वाला है आपका? अच्छा देखिए, अगर युवा ऐसा है देश का, यूथ जिनके ऊपर पूरा देश निर्भर है, वो नहीं बोल पा रहे, मुद्दे नहीं रख पा रहे, तो कैसे आपको लग रहा है कि देश आगे बढ़ पाए? तो वही ना, मतलब बीजेपी अभी तक जितनी भी आई है उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्च करा है, इतना एक्सपेंडिचर करा है कि मतलब जो आसपास के जो मतलब जो एजुकेटेड नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है वो लोगों जैसे अभी वो आया क्या मंदिर बना था, राम मंदिर बना गया, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट ही इतनी हो गई और इतना सब कुछ हो गया, बल्कि जबकि वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए था। और अभी इतना बड़ा लगता है कि जो असल मुद्दे हैं वो गायब है और राम मंदिर बाकी जो मुद्दे हैं उनको बड़ा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, प्रचार प्रसार पर ही पैसा खर्च। देखो वो भी पर्यटन स्थल है, अब आएंगे जब मार्केटिंग होगी तभी तो व्यापार वहाँ का बढ़ेगा, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। लेकिन ये कहो वोट की बात अलग, तुम्हारा जहाँ मन कहे तुम करो, मार्केटिंग की बात अपना अलग हो जाता है भाई, क्योंकि ये जो हो रहा है जो देश में हो रहा है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है ना। बात तो आप मानोगे, धर्म अपनी जगह है, एक मिनट मेरी बात तो सुनो, धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है ना। वही मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म को एक तरफ रखो और राजनीति को एक तरफ रखो, धर्म को है ना राजनीति के साथ नहीं मत जोड़ो, वही कह रहा है, यही सबसे बड़ी वजह है कि आज स्कोर दूंगा। नहीं, राजनीति और धर्म मिल चुका है आपस में, वही हो रहा है। वो तो राजनीति धर्म वो तो आपस में मिला रहे, वो तो बात उनकी है। कौन मिला भाई? बीजेपी को सिर्फ धर्म की राजनीति करने आते हैं, हिंदू मुसलमान करना आता है, डेवलपमेंट उन्होंने कुछ करा नहीं, काम उन्होंने कुछ करा नहीं। आप एक बात बताओ, मोदी जी ने कहा था 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मैं आज मोदी जी से खुले पूछना चाहता हूँ, मोदी जी मेरा जो कर सके कर ले, 5 साल में उन्होंने कितनी नौकरियाँ दे दी, मोदी से पूछना चाहता हूँ है ना, उन्होंने कितनी डेवलपमेंट कर दी। उन्होंने यूँ कहते हैं हमने भाई 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांट दिया, अब 80 करोड़ लोगों का फ्री राशन बांट रहे, उसका मतलब यही साबित होता है ना देश गरीब हो रहा है, 80 करोड़ लोग देश में गरीब हैं। आप कह रहे हो हमने मकान दे दिया, अरे कहाँ मकान दे दिए, वो बुढ़िया औरत थी उसका उन्होंने छापा था अखबार में, खुले आम आ गई रिपोर्ट में, कोई मकान नहीं मिला। फेकनेस की पार्टी है, पूरी फेक पार्टी है, झूठी पार्टी है। इन्होंने उसको शरद पवार को कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, इसको ये करेंगे इसे जेल में डालेंगे, अगले दिन तुमने उप मुख्यमंत्री बना दिया। असम का सीएम तुमने कहा था इसने 68,000 का घोटाला कर दिया, जी उनका ही है, सीएम बना दिया उसे, तो असम का सीएम बना दिया। अब अरविंद जी अच्छा काम कर ले, जहाँ अच्छा काम, जो सरकार अच्छा काम करेगी उसे अंदर करेंगे, हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया, अब अरविंद जी को अंदर कर दिया। मैं बात जानना चाहता हूँ कहाँ कौन सा संविधान में लिखा है कि आप सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर लें, वो भी एक बुनियाद पर कि भाई एक आदमी ने बोल दिया 45 करोड़ रुपये का मनी ट्रेल हुआ है, उसने भाई मैंने बोल दिया, मैंने ले थोड़ी जाओगे, साबित करो पहले आपने उनकी फैमिली को होम अरेस्ट क्यों कर रखा है। अब मैं आपको कल की बात बता देता हूँ, कल दिल्ली में खुला चांदनी चौक में हर जगह आपने देखा होगा बीजेपी का प्रदर्शन हुआ है, आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन क्यों नहीं करने दे रही दिल्ली पुलिस? क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी, या तो आम आदमी पार्टी को आतंकवाद समझ लिया, आतंकवादियाँ ये तो ये खालिस्तानियों से मिल गए, क्या सिस्टम है, आतंकवादी समझ लिया। बीजेपी प्रदर्शन कर सकती है, बीजेपी दिल्ली में सब कुछ करे, आम आदमी पार्टी तो कहना है कि धारा 144 लगी हुई थी इसलिए प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। बीजेपी के लिए थोड़ी तो धारा लग रही है इस देश में, कोई कानून भी दो तरीके का है, बीजेपी वालों के लिए अलग, आम आदमी पार्टी वालों के लिए अलग। बिल्कुल दो तरह का कानून बचा कहाँ है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देश में डेमोक्रेसी नहीं बची, देश में सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप बची है। आप मुझे बताओ चंडीगढ़ में इलेक्शन में क्या हुआ? ये देश डेमोक्रेसी कहा जाता है ना, जहाँ 36 वोट गिरने में बीजेपी ने इतना बड़ा घोटाला कराया, सुप्रीम कोर्ट ने आके बिचारी सुप्रीम कोर्ट का आना पड़ा है, फिर आम आदमी पार्टी का मेयर बना है, जहाँ 36 वोट गिनने में इतनी दिक्कत आ रही है, जब देश में 90 करोड़ वोट गिने जाएंगे तब आप लोग देखना कि लोकतंत्र कैसे गलत आएगा, तब देखना आप लोग। पहले नाम बताइए कि नाम क्या? मेरा नाम यशराज सिंह है। मैं जी कहाँ तक पढ़ाई लिखाई करी है या अभी कर रही है? अभी 12th पास हो जाएगी मेरे अच्छे नंबरों से, साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं। 12th पास करने वाले यानी कि पहले वोटर भी हैं आप? पहले वोटर, पहला वोट डलेगा। और आपने इतने मुद्दे भी गिनवा दिए, सीधा सीधा सवाल भी कर लिया सरकार से कि इतनी नौकरियाँ कहाँ है? बिल्कुल, हिम्मत कहाँ से आ रही है इतनी की सवाल कर रहे हैं आप सरकार? हिम्मत मैम, मेरे को हिम्मत अपने संविधान नहीं लग, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मैं देश का संविधान, भारत एक, अभी भी मैं मानता हूँ कि संविधान जिंदा है और संविधान को कोई नहीं मार सकता,
और क्योंकि मुझे संविधान ने हक दिया है इसलिए मैं बोलूँगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती बोलने से। और खुला बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूँ, न्यू अशोकनगर का वासी हूँ, मुझे जहाँ पकड़ सके वहाँ पकड़ लें। चैलेंज भी कर रहे हैं आप, चैलेंज। अब मैं इस मुद्दों पर आ जाती हूँ। पहला वोट जाएगा किस मुद्दे के लिए जाएगा, क्या लगता है कि क्या जरूरी मुद्दा जिस पर अब युवाओं को जागने की जरूरत है? मैम मेरा लोकसभा में वोट जाएगा आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस को वोट जाएगा मेरा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आप क्योंकि पत्रकार है मैं आपसे भी जान लेता हूँ कि कहाँ डेवलपमेंट नहीं करा। दिल्ली के स्कूल अच्छे हुए, दिल्ली के अस्पताल अच्छे हुए, दिल्ली की सड़कें चांदनी चौक आप देख लो क्या रौनक हो गई है चांदनी चौक में, ठीक है। जो एक न्यूनतम वो होती है सैलरी होती है एक मजदूर की, वो 16,000 से 18,000 रुपए करी आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने ऑटो वर्कर्स के लिए बहुत करा, अब महिलाओं के 1,000 रुपए देने का वादा किया है और बिल्कुल पूरा करेंगे क्योंकि बजट में पेश है। अब बजट तो हम विधान अब किसी भाषण में बोलते तो समझ में आता, विधानसभा में तो झूठ नहीं कहेंगे। तो महिलाओं को वो मिलेगा, महिलाओं के बहुत मोहल्ला क्लिनिक बने, अब महिलाओं मोहल्ला क्लिनिक की भी बातें चल रही हैं। तो डेवलपमेंट और रोजगार, 20,000 रोजगार आम आदमी पार्टी ने दिया और अभी पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, पहले 1.5 साल में 40,000 रोजगार मिल चुके हैं। तो पार्टी रोजगार दे रही है, स्कूल बनवा रही है, कॉलेज बनवा रही है, अस्पताल बनवा रही है। अब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ, जैसे कि अब आपने बीच में देखा होगा 2020-22 का टाइम था कि जो प्राइवेट स्कूलों ने स्कूल जब एडमिशन के टाइम पर ज़्यादा फीस ली थी उनकी फीस वापसी करी गई थी, आम आदमी अरविंद जी का ऑर्डर था वो, मुझे मेरी फीस वापस मिली है। तो ईमानदार पार्टियाँ काम कर रही है, आम आदमी इंडिया अलायंस को वोट जाएगा।